Hey guys, this is Zaldaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a gothic novel, Crime and Punishment, written by a Russian essayist, novelist, short story writer and journalist, Fyodor Dostoevsky. Use duniya bhar mein ek namvar novelist ke naam se jana jata hai. Crime and Punishment is a gothic novel. Gothic novel means aisa novel jisme khauf o haras aur maut ke elements ke saath saath रोमांटिक और इमोशनल एलिमेंट्स भी पाए जाएं। द नोवल वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन रशिया इन 1866 एंड लेटर ऑन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया गया। द नोवल इज रिटन इन थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब नोवल का नरेटर इसका ऑथर या करेक्टर नहीं बल्कि एक तीसरा शख्स है जो नोवल नरेट कर रहा है। द नोवल इज सेट इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया इन 1860s। सो लेट्स समराइज दिस मिस्टीरियस नोवल, Crime and Punishment. Rodion Romanovich Raskolnikov, protagonist of the novel, a गरीब student जो कि उबरमेंश नाम की एक थ्योरी पर यकीन रखता है। ये एक जर्मन लफ्ज है जिसका इंग्लिश मतलब है ओवरमैन, मतलब ऐसा आदमी जो कि सुपरमैन हो, मीन सुपर पावर्स रखता हो, उसके पास कुछ भी करने का इख्तियार हो। इस नजरिए को जहन में रखते हुए रास्कलनिकोफ एक कत्ल कर देता है और अपने इस जुर्म को गुनाह तक नहीं समझता। सोफिया सेमियोनोवना, जिसका नाम नोवल में सोनिया भी लिखा गया है, ये एक प्रोस्टिट्यूट यानी फाहिशा है और इस धंधे से अपना घर चलाती है। इस सब के बावजूद वो नोवल में प्योरिटी और इनोसेंस के सिंबल के तौर पर दिखाई गई है। रास्कलनिकोफ इससे मोहब्बत करने लगता है और यही लड़की रास्कलनिकोफ के तौबा करने का जरिया बनती है। दुनिया, रास्कलनिकोफ सिस्टर, एक खूबसूरत, मगरूर, नेक और मुतकब्बिर लड़की, बहुत सी चीज़ों में अपने भाई से मिलती जुलती है। हाँ, मगर ये अकीदे की मजबूत है जो कि इसका भाई नहीं है। ये लड़की सिदरी ग्रिलोफ नामी शख्स के घर में एक गवर्नेस यानी बच्चों की देखभाल का काम करती है, मगर जब इसका मालिक यह शख्स इसकी तरफ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है तब इसकी मालकिन की जानिब से इसे काम से निकाल दिया जाता है। दुनिया अपने भाई के एक दोस्त रजूमीन के साथ शादी कर लेती है। रजूमीन इज रास्कलनिकोव्स फ्रेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एक मेहरबान, थोड़ा बहुत अनाड़ी मगर बड़े दिल वाला इंसान है। जब रास्कलनिकोव बीमार होता है तो ये उसका ख्याल रखता है, जब रास्कलनिकोव अपनी फैमिली को छोड़ता है तो ये उसकी फैमिली का भी ख्याल रखता है। एक दोस्ताना, मिलनसार और शाइस्ता शख्स, बिल्कुल रास्कलनिकोफ के ऑपोजिट। हाँ, मगर हैं दोनों ही ज़हीन। राजुमहीन दुनिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी कर लेता है। सिदरी ग्रिलोफ, दुनियाज मास्टर, दुनिया कभी शख्स के यहां काम किया करती थी, एक हवसप्रस्त और बदतमीज इंसान। ये सोनिया के अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है और वहां से गुजरते वक्त सोनिया और रास्कलनिकोफ की बातें सुन लेता है। हमें जहां एक तरफ ये दुनिया को ब्लैकमेल करता दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ सोनिया की माली मदद करता भी दिखाई देता है। नोवेल में ये शख्स खुद को मार लेता है, मतलब सुसाइड कर लेता है। मार्मिलाडोफ, एक शराबी शख्स जिसकी मुलाकात रास्कलनिकोफ से एक होटल में होती है और रास्कलनिकोफ बाद में इसे उसके घर तक ले जाता है। दरअसल ये सोनिया का बाप है। एलियोना इवानोवा, एक पॉन ब्रोकर, मतलब ऐसी औरत जो लोगों की चीजें अपने पास गिरवी रखकर रकम उधार देती है, एक मालदार औरत है। रास्कलनिकोफ दरअसल इस औरत को कत्ल करता है ताकि इसका पैसा बहुत से लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। प्रोफरी पेट्रोविच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है और इस मर्डर का इंचार्ज है। इसके अलावा
माइनर करेक्टर्स और भी काफी हैं, मगर ये चंद एक मेजर करेक्टर्स थे और फिलहाल इन्हें ज़हन में रखना काफी है, बाकी करेक्टर्स नॉवल के साथ साथ। द नॉवल ओपन्स इन सेंट पीटर्सबर्ग रशिया इन 1860s। रास्कलनिकोफ एक साबिक तालिबे इल्म यानी हाल ही में पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट यानी बाला खाने में रहता है, उसके पास पैसे की कमी हो चुकी है। वो फटे पुराने लिबास में मलबूस खुद से बातें करता रहता है। हाँ मगर जहीन मगरूर और हैंडसम है। वो कोई भयानक जुर्म करने के बारे में सोच रहा है मगर नहीं जानता कि यह कैसा जुर्म होगा। जुलाई की इस गर्मी में वो एक पान ब्रोकर एलियोना इवानोवा के अपार्टमेंट में जाता है। वो अपनी घड़ी गिरवी रखकर उससे कुछ रकम उधार लेता है। वापसी पर एक होटल में रुकता है शराब पीने के लिए। वहां उसकी मुलाकात मार्मिला डोव से होती है जो कि नशे की हालत में चंद रोज पहले अपनी नौकरी छोड़ चुका है और अपनी फैमिली के खौफ से 5 दिन से यही शराब खाने में पड़ा है। मार्मिला डोव रास्कलनिकोफ को अपनी बीमार बीवी कैथरीना और अपनी बेटी सोनिया के मुतालिक बताता है जो कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी का धंधा करती है। रास्कलनिकोफ मार्मिला डोव को लेकर उसके घर तक जाता है जहां उसकी मुलाकात इस शख्स की बीवी कैथरीना से होती है और यूं रास्कलनिकोफ उनके खराब हालात को देखता है जिनमें ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अगले रोज रास्कलनिकोफ को अपनी माँ पुलचेरिया अलेक्जेंड्रोवना की जानिब से खत मौसूल होता है जिसमें बताया गया है कि रास्कलनिकोफ की बहन दुनिया लुजिन नाम के एक सरकारी मुलाजिम से शादी कर रही है और वो लोग जल्द ही सेंट पीटर्सबर्ग आ रहे हैं। इससे पहले दुनिया एक शख्स के यहाँ काम करती थी गवर्नेंस के तौर पर, मगर जब उस शख्स सिद्री ग्रिलोफ ने दुनिया के करीब होना चाहा तो उसकी वाइफ मार्फा पेट्रोवना ने दुनिया को घर से निकाल दिया। वो शख्स हवस प्रस्ती का शिकार हो चुका था। अब दुनिया लुजिन नाम के एक शख्स से शादी कर रही है जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। दरअसल दुनिया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उससे शादी कर रही है। रास्कलनिकोफ यही सारी बातें सोचता हुआ बाहर निकलता है शाम में, जहां वो किसी को यूं ही बात करते सुनता है कि अगर वो पान ब्रोकर वो इवानोवा वो मर जाए तो उसके पैसों से सोसाइटी में कितनों को फायदा होगा। इसके बाद गलियों में चलते वक्त रास्कलनिकोफ ने सुना कि वो पान ब्रोकर अगली शाम घर अकेली होगी। रास्कलनिकोफ घर आकर आराम से सोता है, सुबह जागता है और एक कुल्हाड़ी ढूंढता है और पान ब्रोकर की तवज्जो हटाने के लिए एक आर्टिफिशियल यानी नकली ऑब्जेक्ट तैयार करता है कि ये गिरवी रखने के बहाने जाएगा। इसी रात रास्कलनिकोफ उस पान ब्रोकर एलियोना इवानोवा के अपार्टमेंट में जाता है, उसे कत्ल कर देता है। वो भी उसके कमरे में रकम तलाश कर रहा होता है कि पान ब्रोकर की बहन लिजाविटा वहां आ जाती है और मजबूरन रास्कलनिकोफ को उसे भी कत्ल करना पड़ता है। वो छुपकर बमुश्किल वहां से फरार होता है और अपने अपार्टमेंट में आकर सोफे पर गिर पड़ता है। अगले रोज जागते साथ ही रास्कलनिकोफ अपने कपड़ों पर खून के धब्बे तलाश करने लगता है। उसे पुलिस की तरफ से बुलावा भेजकर पुलिस स्टेशन बुलवाया गया है मगर इस बात का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि दरअसल उसकी मकान मालकिन अपना किराया वगैरह वसूल करने के लिए पुलिस के पास अपील लेकर आई है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले गुज़िश्ता रात हुए मर्डर्स का जिक्र करने लगते हैं तो रास्कलनिकोफ कत्ल की बात सुनते ही बेहोश हो जाता है। ये बात पुलिस को शक में डाल देती है मगर रास्कलनिकोफ को कुछ नहीं कहते। रास्कलनिकोफ घर आ जाता है। रास्कलनिकोफ घर आते ही रात चुराई गई अशिया को इकट्ठा करता है और सेहन में मिट्टी खोद कर दफन कर देता है। वो अपने दोस्त राजुमकिन से मिलता है और उसकी रास्कलनिकोफ के लिए काम तलाश करने की ऑफर को रद्द कर देता है। घर आते ही वो खतरनाक ख्वाबों भरी गहरी नींद में चला जाता है और 4 दिन बाद बुखार की हालत में जागता है और देखता है कि उसका दोस्त राजुमकिन और मुलाजमा नस्तासिया उसका ख्याल रख रहे हैं। उसे बताया गया कि एक डॉक्टर और एक पुलिस जासूस इस दौरान उसे विजिट करने आते जाते रहे। उनका कहना है कि जब भी पॉन ब्रोकर या उसकी बहन के कत्ल का जिक्र होता है तो रास्कलनिकोफ की बेचैनी बढ़ जाती है। दुनिया का फयोंसे यानी मंगेतर लुजिन वो भी रास्कलनिकोफ से मिलने आता है। इस शख्स से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रास्कलनिकोफ एक कैफे जाकर
जमियोटोव नाम के उस पुलिस जासूस से मिलता है और उससे कत्ल के बारे में कुछ बातचीत करता है। घर वापसी पर रास्कलनिकोव को मालूम होता है कि मार्मिलाडोव एक गाड़ी से टकरा कर गिर गया और उसकी मौत हो गई। रास्कलनिकोव उसकी बॉडी को उसके घर तक ले जाता है जहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है और उसे वो 20 रूबल दे देता है जो रास्कलनिकोव की माँ ने उसे भेजे थे। रास्ते में राजुमीन के साथ घर वापसी पर रास्कलनिकोव को पता चलता है कि उसकी माँ और बहन घर पर पहुंच चुके हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो बेहोश हो जाता है। घर आते ही ये अपनी माँ और बहन से नाराज होता है और अपनी बहन दुनिया को कहता है कि वो लुजिन से मंगनी तोड़ दे, यहाँ तक कि वो अपनी माँ और बहन को फौरन उसके अपार्टमेंट से निकल जाने का कहता है। राजुमीन जो कि रास्कलनिकोव का दोस्त है इस लम्हे दुनिया को पसंद करने लगता है और इन माँ बेटी को अपने साथ लेकर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। अगली सुबह राजुमीन इन्हें समझा कर अपने साथ वापिस ले आता है कि रास्कलनिकोव की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर बताता है कि रास्कलनिकोव अब पहले से बेहतर है और रास्कलनिकोव अपने गुज़िश्ता रात किए गए बिहेवियर पर माजरत भी कर लेता है, मगर थोड़ी ही देर में ये फिर दुनिया से कहने लगता है कि वो लुजिन से शादी ना करे। दुनिया बताती है कि लुजिन आज शाम मुझसे मिलने वाला है और वो चाहता है कि तुम यानी रास्कलनिकोव यानी मेरा भाई मेरे साथ ना हो, मगर मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ आओ। रास्कलनिकोव मान जाता है। इतने में सोनिया कमरे में दाखिल होती है। वो रास्कलनिकोव को अपने बाप के फ्यूनरल यानी जनाजे में आने के लिए मधु करने आई है। रास्कलनिकोव उसकी दावत कबूल कर लेता है। यहां से वापसी पर एक शख्स सोनिया का पीछा करने लगता है जो कि दरअसल दुनिया का पुराना मास्टर मालिक यानी सिद्रिग्रीलोव है, जो कि अब सोनिया के करीब होना चाहता है महज अपनी हवस की खातिर। अब रास्कलनिकोव इस कातिल के इंचार्ज प्रोफरी पेट्रोविच से मिलने जाता है और वहां पुलिस का वो जासूस जमियोटोव भी मौजूद होता है। प्रोफरी दरअसल राजुमहीन का एक रिलेटिव यानी रिश्तेदार है। प्रोफरी और रास्कलनिकोव के माबैन कातिल को लेकर काफी पेचीदा बातचीत होती है। रास्कलनिकोव अंदाजा लगा लेता है कि प्रोफरी उस पर शक कर रहा है और उसे जाल में फंसाना चाहता है। इसके बाद अपार्टमेंट वापिस पहुंचकर रास्कलनिकोव को पता चलता है कि कोई शख्स उसे ढूंढता ढूंढता आया था। जब वो गली में निकलकर उस शख्स को पकड़ता है तो वो शख्स रास्कलनिकोव को कातिल यानी मर्डर कहकर भाग जाता है। इस रात रास्कलनिकोव कातिल से मुतालिक ख्वाब भी देखता है और जब जागता है तो सिद्रिग्रीलोव को सामने खड़ा पाता है। सिद्रिग्रीलोव चाहता है कि दुनिया लुजिन से मंगनी तोड़कर उससे शादी कर ले, इसके बदले वो उसे 10,000 रूबल्स देगा। मजीद ये कि सिद्रिग्रीलोव की मरहूमा बीवी ने मरते वक्त 3,000 रूबल्स दुनिया के नाम पर लिखे अपनी वसीयत में। रास्कलनिकोव इसकी रकम और पेशकश को ठुकरा देता है। इसके जाने के बाद राजुमहीन और रास्कलनिकोव अपनी बहन माँ और लुजिन से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। रास्ते में राजुमहीन रास्कलनिकोव को बताता है कि हाँ पुलिस को तुम पर शक है। रेस्टोरेंट में रास्कलनिकोव को खाने की टेबल पर देखकर लुजिन को लगता है कि जैसे उसकी बात के खिलाफ जाकर उसकी तोहीन की गई है कि मना करने के बावजूद भी रास्कलनिकोव यहाँ मौजूद है। लुजिन अपने रवैये से सबको नाराज कर देता है और बिलाखिर दुनिया ये मंगनी तोड़ देती है और उसे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। लुजिन के जाने के बाद सब खुश होते हैं। राजुमहीन फैमिली बिजनेस को बढ़ाने की बातें करने लगता है, मगर अचानक रास्कलनिकोव ये कहकर सबका मूड खराब कर देता है कि वो मजीद किसी शख्स को नहीं देखना चाहता। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। राजुमहीन पीछे आता है और बगैर कुछ कहे सुने दोस्त को देखकर समझ जाता है कि कातिल रास्कलनिकोव ही है। राजुमहीन वापस भागकर दुनिया और उसकी माँ को तसल्ली देता है कि वो उनकी हर मुश्किल में मदद करेगा। रास्कलनिकोव सोनिया से मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि कत्ल होने वाली औरतों में से एक लिजाविटा सोनिया की दोस्त थी। वो सोनिया से फरमाइश करता है कि उसके लिए बाइबल में मौजूद लेजरस नाम की औरत की कहानी पढ़े जिसे जीसस ने दोबारा जिंदा किया था। इस दौरान सिद्रिग्रीलोव अपार्टमेंट के बाहर से कान लगाकर सोनिया और रास्कलनिकोव की सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद रास्कलनिकोव प्रोफरी से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है जहां दोनों में पूछताछ होती है। रास्कलनिकोव का कहना है कि प्रोफरी उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहा है, उसे परेशान कर रहा है। इतने में एक शख्स
निकोलाई अंदर दाखिल होता है और एतराफ जुर्म कर लेता है कि कत्ल मैंने किए थे। ये तफ्तीश के लिए पकड़े गए लोगों में से एक है। मार्मिलाडोफ की याद में उसके घर पकाए गए खाने पर जाते वक्त रास्कलनिकोव की मुलाकात उस शख्स से होती है जिसने उसे कातिल कहा था। रास्कलनिकोव को मालूम होता है कि यह शख्स कत्ल से मुतालिक ज्यादा नहीं जानता। लुजिन को भी खाने पर बुलाया गया है मगर वो नहीं आता। वो रास्कलनिकोव से अपनी तोहीन का बदला लेना चाहता है। वो सोनिया को अपने अपार्टमेंट में बुलाकर 10 रूबल्स देता है उसकी मदद के लिए। दूसरी तरफ मार्मिलाडोव के यादगारी खाने की तकरीब में बहुत कम लोग आए हैं। जो आए वो भी अक्सर शराबी थे इसलिए तकरीब ज्यादा अच्छी न रही। लुजिन जहां आता है और सोनिया पर 100 रूबल्स चुराने का इल्जाम लगाता है। सोनिया इनकार करती है मगर तलाशी लेने पर उसकी जेब से वो 100 रूबल्स निकलते हैं। इससे पहले कि सोनिया पर चोर का लेबल लगाया जाए लुजिन का रूममेट वहां आता है और सबको बताता है कि ये 100 रूबल्स लुजिन ने धोखे से सोनिया की पॉकेट में डाल दिए जब वो उससे मिलकर वापस आ रही थी। रास्कलनिकोव बताता है कि मुझसे बदला लेने के लिए यह शख्स सोनिया को बदनाम करना चाहता है। लुजिन चला जाता है। डिनर करने के बाद रास्कलनिकोव सोनिया के कमरे में जाकर कातिल का एतराफ कर लेता है उसके सामने। इनकी गुफ्तगू अभी जारी होती है कि इन्हें बताया जाता है कि सोनिया की मां सदमे की वजह से पागलपन का शिकार हो गई और सड़क पर भीख मांगती फिर रही है। वहां एक पुलिस वाले से झगड़े और हाथापाई के दौरान सोनिया की मां कैटरीना जमीन पर गिर जाती है। ये लोग जाकर उसे वापस अपार्टमेंट ले आते हैं मगर आते ही वो सांस तोड़ देती है, वो मर जाती है। यहां सिद रिग्रिलोफ आकर आखिरी रसूमात के लिए रकम देता है और साथ ही रास्कलनिकोव से जिक्र करता है कि वो जानता है कि कातिल रास्कलनिकोव है। सोनिया के सामने एतराफ करने के बाद रास्कलनिकोव की बेचैनी बढ़ गई है। राजू महीन उसे बताता है कि उसकी मां और बहन किस कदर तकलीफ में है इस कातिल को लेकर। प्रोफरी वहां आता है और रास्कलनिकोव से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है क्योंकि निकोलाई के रूप में उन्हें कातिल मिल चुका है मगर प्रोफरी अभी भी मुतमईन नहीं। उसका कहना है कि अगर रास्कलनिकोव खुद एतराफ कर ले तो सजा कम मिलेगी। इसके बाद रास्कलनिकोव सिद रिग्रिलोफ से मिलता है जो उसे बताता है कि वो अब एक 16 साल लड़की से मंगनी कर चुका है मगर फिर भी दुनिया में दिलचस्पी रखता है। इसके बाद सिद रिग्रिलोफ किसी तरह दुनिया से मिलता है जहां वो उसको उसका रेप करने की धमकी देता है। दुनिया इसका रिवॉल्वर उठाकर गोलियां चलाना शुरू कर देती है मगर ये बच जाता है। दुनिया भाग जाती है। दरअसल ये खुद दुनिया से रिवॉल्वर लेकर उसे जाने देता है क्योंकि इसे अंदाजा हो गया है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती। सिद रिग्रिलोफ दुनिया को 3000 रूबल्स देता है जबकि अपनी मंगेतर लड़की के घर वालों को 15000 रूबल्स देता है। जिसके बाद वो एक होटल में जाकर किसी लड़की के हवस भरे ख्वाब देखता हुआ सो जाता है। सुबह उठते ही ये शख्स सुसाइड कर लेता है यानी खुदकुशी कर लेता है। दूसरी तरफ रास्कलनिकोव अपनी माँ से मिलकर कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। अपनी बहन दुनिया को बताता है कि वो एतराफ करने जा रहा है। सोनिया से मिलता है और फिर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर सिद रिग्रिलोफ की मौत का सुनकर एक लम्हा सोचता है कि एतराफ जुर्म ना करे मगर वो सोनिया की नजरों में गिरना नहीं चाहता। वो सबके सामने एतराफ जुर्म करता है। 1.5 साल गुजर जाने के बाद रास्कलनिकोव साइबेरिया की एक जेल में पिछले 9 माह से कैद है। सोनिया करीब ही एक टाउन में रहती है और अक्सर रास्कलनिकोव से मिलने आया करती है। इतराफ़े जुर्म की वजह से उसे सजाए मौत की बजाय 8 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई। रास्कलनिकोव की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां दुख और सदमे से मर गई। राजू महीन और दुनिया ने शादी कर ली। रास्कलनिकोव को थोड़े ही वक्त में एहसास हो गया कि वो सोनिया से सच्ची मोहब्बत करता है और उसे किए गए जुर्म पर पछतावा है। आइसोलेशन एंड एलियनेशन। रास्कलनिकोव का गरूर उसे जमाने से अलग कर देता है।
वो खुद को बाकियों से मुख्तलिफ बल्कि सुपीरियर यानी अलग समझने लगता है, आला समझने लगता है कि उसके पास हर काम करने का इख्तियार है और यही चीज उसे कातिल जैसे जुर्म की जानिब लेकर जाती है। क्राइम एंड पनिशमेंट, नॉवल का टाइटल ही इसका मेन थीम है कि आगाज में एक शख्स से कैसे जुर्म सरजद हुआ और फिर नॉवल के आखिर में जाकर उसे सजा मिली, मगर असल कहानी इस जुर्म के आयद होने से सजा मिलने के दरमियान के वक्त में की गई है कि कैसे ये कहानी इस कत्ल की वजूहात को और सजा की जानिब बढ़ते हुए शख्स के हकायक को हम पर वाजिया करती है। लव, इन सारी चीजों के साथ साथ हम रास्कलनिकोव और सोनिया जबकि राजुमखीन और दुनिया का बढ़ता हुआ प्यार देखते हैं और यही सोनिया से मोहब्बत ही रास्कलनिकोव के राह रास्त पर आने का जरिया बनती है। सफरिंग इज आल्सो अ थीम इन द नोवल कि रास्कलनिकोव जुर्म करने के बाद हर रोज हर लम्हा इस तकलीफ और पशेमानी को बर्दाश्त करता है। गैरेट यानी वो बालाखाना जहां रास्कलनिकोव रहता है, ये उसकी गुर्बत और खलवत यानी तनहा पसंदी को जाहिर करता है। अल्कोहल, रास्कलनिकोव का शराब पीने जाना या मारमिलादोव का शराब कसरत से पीना वीकनेस का एक सिंबल है। लेजरस, रास्कलनिकोव का सोनिया से मिलकर बाइबल से लेडी लेजरस की कहानी पढ़ने का कहना एक नई जिंदगी के आगाज की अलामत है। क्रॉस, जब रास्कलनिकोव अलविदाई तौर पर सोनिया से मिलने जाता है नॉल के एंड में अपनी मां और बहन से मिलने के बाद, तब सोनिया उसे एक क्रॉस यानी सलीब देती है जो कि ईमान की मजबूती और हजरत ईसा जीसस की तकालीफ बर्दाश्त करने का सिंबल है। एट द एंड, इस नॉवल की एक खूबसूरत लाइन, द डार्कर द नाइट द ब्राइटर द स्टार्स द डीपर द ग्रीफ द क्लोजर इज गॉड, रात जितनी तारीख होगी सितारे उतने ही रोशन, गम जितना गहरा होगा खुदा उतना ही करीब। सो गाइस टेक केयर, गुड बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।